जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, अच्छा सोचो और चिंता करना छोड़ दो। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन एक दिन खत्म हो जाती है। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिला पहचान उम्र भर के लिए रहता है। घर बड़ा हो या छोटा यह मायने नहीं रखता, उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है यह मायने रखता है। अपनी वाणी को हमेशा शुद्ध रखिए, संस्कारों की यह पहली अमानत होती है। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। भरोसा एक स्टिकर जैसा होता है, कितना भी प्रयास कर लीजिए लेकिन पहले जैसा दोबारा नहीं चिपकता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीहत सबको अच्छी लगती है। दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है समझदारों को समझाना। अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, मुश्किलों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पर अर तो सही। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो, ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी का नहीं होता। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने में ही मिलता है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती के साथ रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे। अगर रास्ते खूबसूरत हो तो पता करें कि किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की बिल्कुल भी परवाह न करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे लगने दीजिए। जो दो पल में बदल जाए वो विचार नहीं, वहम कहलाते हैं। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, याद रखना वक्त जब भी शिकार करता है चारों तरफ से वार करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस जमाने में, मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। एक पानी की बोतल दुकान पर 20 रुपए में मिलती है, वही पानी की बोतल होटल में 40 रुपए में मिलती है। इसी प्रकार यदि आपको कहीं अपनी वैल्यू कम फील हो रही हो तो अपनी जगह बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी लोग अक्सर बदल जाते हैं। दिल को साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी गई बातें कभी न कभी काम आ ही जाती है। शायद यह वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकता है, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति तो हमेशा अकर में रहता है। जन्म कब लेना है और कब मरना है यह हम तय नहीं कर सकते, परंतु कैसे जीना है यह हम ही तय करते हैं। हमारी उपलब्धियों में भी दूसरों का योगदान होता है, क्योंकि समुन्द्र में भले ही पानी अपना होता है, पर सच तो यही है कि वह नदियों का उद्धार होता है। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुन्द्र में भले ही पानी अपार है, परंतु सच तो यही है कि वह नदियों का उद्धार है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। दूसरों के सामने खुद को लाचार और बेबस मत दिखाइए, लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि सभी तूफान आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही आते हैं, कुछ तूफान आपके मार्ग को भी साफ करने के लिए आते हैं। जो आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है, यकीनन कभी न कभी किसी और के सामने आपकी भी निंदा करता होगा। अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ भी छोड़ देना, लेकिन किसी के लिए अपनी खुशहाल जिंदगी मत छोड़ना। अकेले रहना अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा बनते हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपसे मुकाबला नहीं कर सकता।
अगर कोई आपको न समझे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सभी के समझ में नहीं आते। कदर इंसान की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जीवन में खुश रहने का केवल एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से ही करें, किसी और से नहीं। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो आदत है राहों में रुकावटें पैदा करना। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानने के बाद भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है मुझे। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत दे देती है। उजाले की कदर उन्हें ही होती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अंधेरा देखा हो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। जिंदगी में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद से सीखना पड़ता है। जिंदगी के किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को सुरक्षित रखता है। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं हो वह अनपढ़ के बराबर होता है। ज्यादा नादान इंसान ही जिंदगी का असली मजा ले सकता है, वरना ज्यादा होशियार इंसान तो अपनी जिंदगी में ही उलझा रहता है। आपकी सारी अच्छाई को नज़रअंदाज करने वाले लोग आपकी एक गलती पर झट से उंगली उठाने से पीछे नहीं रहते। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर बनाइए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ब खुद बुझ जाए। जिंदगी में कभी भी मुश्किल समय आए तो घबराए नहीं, मुश्किल समय हमें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। अहित चाहने वाला अपना भी पराया है, और हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसीलिए किसी पर उतना ही उड़ाओ जितना वह समेट सके। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार फिर से ट्राई करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होना चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी होता है। आज की कड़वी सच्चाई है, आप चाहे सबका भला करते रहो पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। घमंडी इंसान अपने आवाज़ को भारी और शब्दों को हल्के रखते हैं, और समझदार इंसान अपने शब्द भारी और आवाज़ को हल्के रखते हैं। मैं जानता हूँ मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। खुला मत छोड़िए अपनी ज़िंदगी के किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका स्वभाव हमेशा बदलने का होता है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वही आपको गिराकर हराने की कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी को इतनी भी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग भी खेल कर चले जाएं। वजूद समय के साथ बदलता रहता है। दीपक सूर्य के सामने कुछ भी नहीं होता, मगर अंधेरे के सामने बहुत कुछ होता है। वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा, और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताब पढ़ने से बेहतर होती है। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देने लगे। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह व्यक्ति आपका दुश्मन हो जाएगा। पैरों में लगने वाली चोटें हमें संभलकर चलना सिखाती हैं, और मन में लगने वाली चोटें हमें संभलकर जीना सिखाती हैं। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को ही समझा लेना उचित होता है। जब किसी के जिंदगी में आपके जगह कोई और आ जाए, तब आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। इंसान की समझ बस इतनी सी होती है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद के मेहनत से ही मिलती है। कमाल के होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते, तब उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी भी किसी एक का नहीं हो सकता। हर अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर का ही होता है।
बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़ कर यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। जो लोग दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, सबसे पहले दिल उन्हीं का टूटता है। याद रखिए, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। कभी फायदा उठाते उठाते थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्या पता आपकी जैसी जिंदगी दूसरों लोगों का सपना हो। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलने लगेंगे। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जो लोग आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वे हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नज़र नहीं आता है तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। इस दुनिया में कहाँ कोई मिलता है समझने वाला, जो भी मिलता है समझाकर चला जाता है। अपनी कमियों पर भी नज़र रखो, हर बार गलती दूसरों की ही नहीं होती। सपना हमेशा बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास कभी नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। जहाँ इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, लोग सबसे ज़्यादा नफरत उसी से करते हैं। किसी के अंदर प्रेम जगाकर फिर उसे छोड़ देना हत्या करने के बराबर है। अपने भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुभती है तो अपनों की चुभती है। इज्जत उसकी करनी चाहिए जो दूसरों की भी इज्जत करना जानते हों। लोगों को खुश करते करते आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू कीजिए। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा पाता। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही साथ छोड़ देते हैं। इंसान हमेशा दुख में ही सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। खुद को काट कर भी रख दोगे तो ये दुनिया आपसे खुश नहीं होने वाली। इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, न कोई दिल दुखाएगा और न ही कोई रुलाएगा। किसी को लाख कसमें दे दो, लेकिन जाने वाला कभी नहीं रुकता। मन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को ही बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लिया जाए। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल हमेशा मीठा ही होता है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। ये दुनिया सिर्फ खुशी में ही साथ देती है, इसीलिए अपने आंसू छुपाना सीख लो। कहते हैं किसी के बारे में ज़्यादा सोचो तो वह सपने में आ जाता है, फिर ज़्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आ जाता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सह सकते हैं, किसी से कह नहीं सकते। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं।
शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते। ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। हर किसी पर विश्वास करना मतलब कि धुएं के बादल से बरसात की उम्मीद करना। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह आपको उतना ही निराश करेगा। हमेशा कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर तो वह होते हैं जो हार निश्चित होने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ते। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से ही दुनिया बदल देते हैं। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। मुश्किलें कोई आए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक सपने के टूट जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हिम्मत को जिंदगी कहते हैं। जब मेहनत करने के बाद सपने पूरे न हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़े नहीं। राह संघर्ष की जो चुनता है वही संसार को बदलता है। जिसने रात से जंग जीता सूर्य बनकर वही निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगियां बदल देता है। बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशी तलाश करो। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आते हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि वक्त जो सिखा देता है कोई नहीं सिखा पाता। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और अगर दूसरे बोलें तो बुरा लग जाता है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वे लोग हमें समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता। अपना दर्द सबको मत बताइए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी याद कर लीजिए। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा होता है। रिश्ते इसीलिए भी सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। दिल के रिश्ते में घमंड कैसा, जो सिर्फ अपना सोचे वो रिश्ता कैसा। बोलना तो सब जानते हैं, परंतु कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने का काम आता है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात कीजिए, मगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात कीजिए। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों अच्छा लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जिंदगी जीना आ गया। वक्त गुंगा नहीं बस मौन है, वह आने पर बता देता है कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर, आइए एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लिया जाए। किसी को लात मारने से पहले हम खुद कहाँ खड़े हैं इसका भी पता होना जरूरी है। एक दूसरे के कमियों को नज़रअंदाज करना जरूरी है, क्योंकि बिना कमी वाले इंसान को ढूंढोगे तो शायद अकेले रह जाओगे। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण बनती है। अगर आप असली खुशी तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनने में उनकी मदद कीजिए। यकीन मानिए उनको सफलता मिलते ही आपको उनसे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, सबको याद वही रहता है जो लोग और वक्त सिखाते हैं। चुनौतियों से हमें नहीं डरना चाहिए, उनका सामना करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये चुनौतियाँ ही हमें महान सफलता के लिए तैयार करती हैं।
संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझर के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही खुशियों का आगमन होता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। अगर आप में अकेले चलने का हौसला हो तो खुद पर यकीन रखो और अपनी रास्ते पर चलते रहो। माना कि आज तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों होंगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल न हो। समझ लीजिए, भगवान चाहते हैं अभी आपको और मजबूत बनना है, या हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हों। अगर हमें सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छुपी होती है। आज मुश्किलें हैं, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिलें उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा होता है। जब कोई आपको अपना वक्त देता है तो वह अपने जिंदगी का ऐसा पल आपको देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए किसी के समर्पण का सम्मान करें। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान तो वह होता है जो फेंकी गई ईंटों से अपना घर बना ले। खुशियाँ उन लोगों को जरूर मिलती है जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से ही करें, किसी और से नहीं। खुशियों में तो सब साथ देते हैं, असल दोस्त तो वही होता है जो दुख में भी साथ दे। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मिलती। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। जिंदगी में आप कितने बार हारे यह मायने नहीं रखता, अगर आपका लक्ष्य जीत है तो कोशिश करते रहें। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधेरा हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, अपने इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। भरोसा रखो उस भगवान पे, कभी ज्यादा मांगो नहीं, और विश्वास रखो कम वो देंगे नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी सिखाती है। जिंदगी में कभी रिस्क लेने से पीछे मत हटो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो क्या, एक नई सीख मिलेगी। शानदार जिंदगी जीने के लिए दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी बुरी आदत है। मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ होने वाली बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए परेशानियों से डरे नहीं, डटकर सामना करें। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने का मजा तब आता है जब सच्चाई आपको पहले से ही मालूम हो। आपके इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम कीजिए, फिर देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। खुश रहना सीखिए, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले जब अपने ही हो तो संभलने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उनको आपकी जरूरत होगी। लौटते वे लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद लगी रहती है। बनावटी रिश्ते से कई गुना बेहतर है कि हम अकेले रहना सीख लें।
मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो अलग अलग मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। जिंदगी में ज़्यादातर दुख उन लोगों को मिलते हैं जो रिश्तों को सच्चे दिल से निभाते हैं। जेब में छोटा सा छेद क्या हो गया, पैसे से ज़्यादा रिश्ते बिखर गए। यहाँ पर हर कोई खुद को सही समझता है, इसीलिए मैंने खुद को ही गलत मान लिया है। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। चेहरे सबके याद हैं मुझे, बस वक्त का इंतजार है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो वो ताकत है जो सबके अंदर नहीं होती। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और चेहरा हंस रहा है। वक्त का काम तो गुजर जाना है, बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। धोखे ने ही बताया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक अच्छी खूबी होती है कि वो मीठा बहुत बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। इसीलिए अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार यहाँ, वरना आजकल तो प्रेम के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। समय बिताने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलते हैं। तूफान का आना भी जरूरी है, तभी तो मालूम चलता है कि कौन हाथ पकड़ते हैं और कौन तूफान के डर से हाथ छोड़ देते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ समझने वाले भी। समय से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिली चीज़ें अपना अस्तित्व खो देती हैं। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, समय तो अपने आप मिल जाता है। ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना, ये दोनों न तो दोबारा आते हैं और न ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा ही खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो इंसान कुत्तों का मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का बिल्कुल एहसास न हो उस व्यक्ति से शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो वो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझते। जिंदगी में अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली वस्तुओं से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली किसी भी वस्तु से संतुष्टि नहीं होगा। विश्वास जीतने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है और उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज़ बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। एक वक्त के बाद या तो दर्द ख़त्म हो जाता है या इंसान ही ख़त्म हो जाते हैं। मजबूत होने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर करने में तुली हो। अच्छा समय कभी नहीं आता, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी ही होगी। गम नहीं करना चाहिए किसी भी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। बदलते रिश्ते, बदलते लोग और बदलते मौसम चाहे न दिखे पर महसूस जरूर होते हैं। नाराज़गी को कुछ देर चुप रह कर मिटा लिया करो, गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। कुछ इस तरह रिश्ते टूट जाया करते हैं, जब दिल भर जाता है लोग अक्सर रूठ जाया करते हैं। आदमी बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ा होना चाहिए।
भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह तो वक्त ही बताता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और उनकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में अकेला रह जाता है। कलयुग की हद हो गई अब तो, धोखा अपने देते हैं और सहानुभूति पराए दे जाते हैं। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। कुछ रिश्ते को भगवान तय करते हैं और कुछ को पैसे। रिश्ते वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता दिल से निभाना चाहिए, शब्दों से नहीं। मेरी सफलता को देखकर हैरान हैं बहुत लोग, किसी ने मेरे पांव के छालों को नहीं देखा। अगर सफलता चाहिए तो कभी भी वक्त और हालात पर नहीं रोना, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी भी यह नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितनी दूर है। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं होता, और जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं होता। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत, इसीलिए सदा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, वही कार्य कल आपकी ताकत बनेगा। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना चाहिए जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो, और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ें सस्ती न लगने लगे, फिर चाहे वह धन हो या इज्जत। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार और अगर ठान लो तो जीत। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है, समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों के बातों पर ध्यान देने से अच्छा है निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही व्यक्ति महान बनते हैं। परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है, कर्म से ही लोग सफलता प्राप्त करते हैं। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अकेले चलना सीख लीजिए। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना, जिंदगी ये हुनर भी सिखा ही देती है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा न होना। किसी को प्यार करो तो इतना करो कि जब भी वह तकलीफ में आए तो उसे सबसे पहले तुम्हारी याद आए। किसी का बुरा उतना ही करना चाहिए जब वह तुम्हारे साथ उतना बुरा करे जितना आपने उसके साथ किया है, तब आप सह सको। जब तक आप कुछ बनोगे नहीं, तब तक न ही आपको कोई इज्जत देगा और न ही कोई आपकी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दीजिए, जिनको जितना साथ देना है वह उतना ही साथ निभाएंगे। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखो, कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। अपनी खुशियाँ संभाल कर रखिए, ये उस ताश की तरह होती है जो लोगों को बहुत चुभती है। कभी कभी दिल में तकलीफ होती है, और तकलीफ देने वाले दिल में होते हैं। जो होकर भी न हो उसका होना कैसा, अगर रिश्ते सिर्फ नाम के हैं तो उसके लिए रोना कैसा। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा है। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब यह दुनिया उसकी अच्छाई का मजाक बना देती है।